अभी हम बाबा कुशेश्वर के नगरी में हैं, मिथिला की पावन धरती बाबा कुशेश्वर स्थान, जिनको बैद्यनाथ धाम बिहार का बोला जाता है, वहाँ पे है। आज चौथा सोमवारी है। आपको दिखा दे, बाबा कुशेश्वर स्थान सेवा संस्थान जो है उनके द्वारा जो भंडारा चलाया जा रहा है, आज का जो भंडारा चलाया जा रहा है, जिसमें दो टीचर हैं जो योगदान दिए हैं, उनके द्वारा भंडारा चल रहा है। देखिए वही आज, ये देखिए कारीगर सब भिड़े हुए हैं यहाँ पे भंडारा करने के, बनाने के लिए। ये देखिए जलेबी बन रहा है यहाँ पर में, आगे पूरी बन रहा है, सब्जी बन रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सहनी। कहाँ से आए हैं? रोसरा। रोसरा से। देखिए रोसरा का कुशल कारीगर के द्वारा जलेबी बनाया जा रहा है। बाबा संस्थान में जो है आज जो भंडारा चल रहा है, उसमें जो है जलेबी बनाया जा रहा है। आसमा पुल के पास भंडारा चल रहा है। आइए कुछ यहाँ पर में जो है लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। आइए, देखिए कुंदन जी मिल गए हैं। कुंदन जी, ये जो आज का भंडारा चल रहा है, ये किनके द्वारा योगदान दिया जा रहा है? शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है। उनका नाम है अमितेश कुमार है, और पति पत्नी दोनों शिक्षक है, और उनके संजोर से पत्नी का नाम रेणु देवी है। हाँ, रेणु देवी है। उनके संजोर से किया जा रहा है आज का भंडारा जो है, वो सहयोग दिए। हाँ, सहयोग दिए अपने आपके संस्था जो संस्थान में सहयोग दिए हैं। क्या है बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान? बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा सहयोग दिया गया है। क्या नाम है आपका? बम्बम कुमार जी। आज का ये भंडारा जो चल रहा है, वो किनके द्वारा दिया गया है? वो शिक्षक हैं, और दोनों पति पत्नी शिक्षिका हैं। अमितेश कुमार नाम है उनके द्वारा। ये कब तक चलेगा भंडारा? ये भंडारा अगले सोमवार तक रहेगा। हम लोग का पूरा आज जो है, आज जब तक मार्केट जब तक पूरा शांत नहीं होता, हम लोग 7 बजे तक 8 बजे रात तक देने का काम करते। ये चौथा सोमवार है, एक सोमवार और पड़ा है, उस दिन तो डबल है, संयोग है, जो पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है, तो उस दिन भी ये सेवा जारी रहेगा। जी, उस दिन भी सेवा जारी रहेंगे। आप अगर पूजा करने के लिए आते हैं बाबा के स्थान में, तो पूजा करके रिटर्निंग होते हैं, तो आइए यहाँ पे आसमा पुल के पास जो है बाबा कुशेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा जो है मास्टर जी के, अमितेश जी और रेणु जी के सहयोग से जो है, दोनों पति पत्नी टीचर हैं, और उनके सहयोग से जो है आज जो ये सेवा चल रहा है, ये संस्था का जो है महाप्रसाद का जो वितरण हो रहा है, इसमें आकर के लाभ लें। और अगर जिन भाइयों को अगर सेवा देना हो, जिन भाइयों को सहयोग करना हो इस सेवा संस्थान को, अगर आप लोग भी चाहते हैं जो हम भी कुछ सेवा करें, तो आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर आपको दिखेगा, बैनर पे नंबर भी दिया हुआ है। आप उसमें जिस चीज़ से सहयोग करना चाहते हैं, राशि से, कोई चीज़ से, तो आप सहयोग कर सकते हैं। उनके लिए तत्पर है सदैव ये सेवा संस्थान। और देखिए अभी पूरी यहाँ पे बन रहा है, उधर जो है सब्जी बन के ऑलरेडी तैयार है, पूरी यहाँ पे बन रहा है, सब्जी इस रूम में है। देखिए सब्जी बना हुआ है, ये पूरी बन रहा है। पूरी बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए युवा सब भिड़े हुए हैं, मदद करने के लिए। देखिए कितने तन मन धन से बना रहे हैं। लेकिन घर पे अगर पत्नी बोलेंगे जरा एगो रोटिए बेल दो, तो नहीं बेलेंगे। लेकिन यहाँ पे सेवा करने के लिए, देखिए बम का सेवा करने के लिए कैसे तत्पर है, पूरी बेल रहे हैं भाई साहब। देखिए नौजवान सब कैसे पूरी बेल रहे हैं। जी जी, देखिए कितना आस्था है मन में, जो श्रद्धालु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेलन एक्स्ट्रा है? देखिए एक भाई साहब पूछ रहे बेलन एक्स्ट्रा है, तो हम भी बेलने के लिए बैठ जाए। देखिए हम लोग आए बेलने के लिए, पूरी कम पर आदमी देने के लिए आ गए। अच्छा सर ये बताइए, यही चीज अगर घर पे पत्नी बोल दे जरा एक रोटी बना दीजिए, उसको भी करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है जो आप, चलिए इतना सेवा तो करते हैं। अच्छा देखिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, जो सेवा संस्थान के द्वारा इतना सेवा दिया जा रहा है, और इतना मेहनत किया जा रहा है, और मदद किया जा रहा है काफ़ी सारे। ठीक है, आप लोग हर समय आके सेवा ले सकते हैं। और ये जो है भंडारा अगले सोमवार को भी चलेगा, और आज जब तक श्रद्धालु यहाँ आते रहेगा तब तक ये भंडारा चलता रहेगा। जब श्रद्धालु का आना बंद हो जाता है, तब ये भंडारा भी समाप्त होता है, तब तक चलते रहता है। अब बताइए, खुशी की बात है, आप लोग आके यहाँ पे इसका सेवा ले सकते हैं। और अगले सोमवारी को हम लोग फिर आएंगे दिखाने के लिए, उस रोज कुछ खास रहेगा। तब तक बने रहे।